32 वर्षों बाद सिलीगुड़ी के वार्ड नंबर 1 के साउथ अंबेडकर कॉलोनी में करोड़ों की लागत से हाइड्रेन का काम शुरू, वार्ड पार्षद संजय पाठक ने किया शिलान्यास। सिलीगुड़ी नगर निगम के वार्ड नंबर 1 के साउथ अंबेडकर कॉलोनी में 32 वर्षों बाद हाइड्रेन के निर्माण का कार्य शुरू हुआ है, जिसका आज वार्ड नंबर 1 के पार्षद संजय पाठक ने शिलान्यास किया। बताया जा रहा है कि हाइड्रेन के निर्माण में 2,01,00,000 रुपए की लागत आएगी, जिससे वार्ड वासियों में खुशी है। दरअसल निकासी व्यवस्था दुरुस्त नहीं होने के कारण बरसात के मौसम में साउथ अंबेडकर कॉलोनी जलमग्न हो जाता था। पिछले 32 वर्षों से वार्डवासी इस समस्या से जूझ रहे थे। कई वार्ड पार्षद आए और गए, पर इलाके की समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया। लेकिन 32 वर्षों के बाद वार्ड पार्षद संजय पाठक ने वार्डवासियों की समस्या का समाधान कर दिया है। आज वार्ड पार्षद संजय पाठक ने 2,01,00,000 रुपए की लागत से हाइड्रेन के निर्माण का शिलान्यास किया। हाइड्रेन के निर्माण कार्य शुरू होने से वार्डवासियों में खुशी है। वार्ड वासियों ने कहा कि वे 32 वर्षों से जल जमाव से जूझ रहे थे। चुनाव से पहले हर बार उन लोगों को हाइड्रेन निर्माण का आश्वासन मिलता था, लेकिन चुनाव के बाद वे भूल जाते थे। इस बार वार्ड पार्षद संजय पाठक ने अपना वादा निभाया है। अब बोलते के लिए आज के एक थे के खुशी कारण हलो आज थे के 32 बछर आगे हम बाड़ी करछि। अनेक परे लोक आछे एखाने बाड़ी करछे, काउंसिलर अनेक आछे गेछे, কিন্তু এইবার সঞ্জয় দা যা কাজ করে যাচ্ছে বলতে গেলে চোখের জল আসে। পুরো আমার এক নম্বর ওয়ার্ড বলতে সাউথ আম্বেদকরে একটা বাচ্চাও খুশি। বাবা মতে দাদা সবকিছু করে দিচ্ছে, এখন জলের থেকে যাতে আমরা রেহাই পাই। আমার ঘরে এতখানি জল হয়, পাইপ দিয়ে মোটর দিয়ে জল ছাড়তে হয়, অনেক অসুবিধায় ছিলাম। এখন যাকে এগুলো সব করে দিবে খুব আনন্দ। মানে নালা কি জল দেওয়ার জল পাশে হচ্ছে না, প্রত্যেকটা বাড়িতে জল ঢুকতো। দেখেন জল যদি না বেরোয় তাহলে কত সমস্যা তো জানেন, প্রত্যেকটা বাড়িতে জল ঢুকতো। হ্যাঁ, তারপর অসুখ বিসুখ নানা রকম প্রবলেম, বয়স্ক মানুষ থাকে বাড়িতে। কিন্তু আমরা খুবই খুশি, দাদাকে তো বললাম তো, মানে ওনাকে মানে আমার তরফ থেকে মানে অসংখ্য ধন্যবাদ দাদাকে, খুব খুশি। আর আমরা জল ঘরে জল চলে যেত, আমরা খুব অনেক মানে সাফার করতে হয়েছে, কিন্তু এই যে এখন ড্রেনটা হওয়াতে আমরা মানে একদম খুবই খুশি। খুব খুশি আছি আমি, হয়ে গেলে তো আমার দুঃখ দূর হয়ে যাবে। আমাদের এই জল দিয়া হয় প্রজেক্ট, এই জায়গা নদী তো কোন জায়গা তো আমাকে লাগতে হয় যে সমস্যা দূর হয়ে যাবে। हाँ तो जो खुशी है, खुश नहीं रहे, जो भी काम हम लोग कहाँ होगा हम लोग खुश होने का अच्छा है कि जाना छोड़ रहे। हम लोग का मन में थोड़ा खुशी आया है कि जाना इधर, शायद इधर हम लोग का पानी निकलना पड़े। वहीं वार्ड पार्षद संजय पाठक ने कहा कि साउथ अंबेडकर कॉलोनी काफी महत्वपूर्ण इलाका है। इसी वार्ड से कुछ 7 अलग अलग इलाके का पानी निकलता है। निकासी व्यवस्था दुरुस्त नहीं होने के कारण बारिश के मौसम में यह कॉलोनी जलमग्न हो जाता था। आज 2,01,00,000 रुपए की लागत से हाइड्रेन का निर्माण कार्य शुरू हुआ है। आज का जो दिन है वो हमारे वार्ड के लिए ऐतिहासिक दिन है। आप ही के चैनल के माध्यम से हमने कहा था पिछले साल कि हमारे वार्ड में डेवलपमेंट का कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ, लेकिन आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश से और यह काम 14 दिसंबर को हमारे यहाँ पर ये सेंक्शन किया गया और हम लोगों को कागज़ मिला। NBDD के तरफ से हमारे वार्ड नंबर 1 के साउथ अम्बेडकर कॉलोनी में 2 काम मिला है। एक 2,01,00,000 रुपए का हाइड्रेन, वो हाइड्रेन का आज हम लोगों ने शिलान्यास किया है, और एक रास्ते का कार्य है वो 66,00,000 रुपये का है। तो टोटल जो माननीय मुख्यमंत्री हमारे सिलीगुड़ी आई थी 12 दिसंबर 2023 को, वो उस दिन ही 2 काम सेंक्शन किया हमारे वार्ड के लिए, और यह दोनों काम ही साउथ अम्बेडकर कॉलोनी में है। 50,000 लोगों को अपनी मंजिल से है जोड़ा, नई उत्साह के साथ आए हैं फिर से थामने आपका हाथ श्री शांति होंडा।